Dear students, welcome back. तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो कि मेनली नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स है, इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसमें मेनली आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले आपका है हाइड्राजीन, दूसरा हाइड्रोक्सिलेमीन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये जो चार टॉपिक है वो आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्या है फिर, जो हाइड्राजीन है, हाइड्रोक्सिलेमीन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये है क्या, ये क्या है, सब नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स है, क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला क्या है, NH2 मीन ये क्या हुआ आपका N2H4, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हाइड्राजीन का, NH2-NH2 मीन्स N2H4 है। ये क्या है फिर आपका, ये हाइड्राजीन, ये क्या है NH2OH, ये क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें आपका नाइट्रोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसमें हमारा नाइट्रिक एसिड एंड ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें क्या करना है, पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं हाइड्राजीन, इसका आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस एंड यूजेस। इसी तरह हाइड्रोक्सिलेमीन का आपको क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। सिमिलरली हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने हैं और ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्राजीन को, हाइड्राजीन क्या चीज है। ठीक है, हाइड्राजीन क्या चीज है देखते हैं, पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्राजीन क्या कहा हमने, NH2। यूजुअली ये सब क्या होता है, ये सब होता है हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया है हमारे पास NH3। ठीक है, NH3 इस तरह NH3, और यहां पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम NH3 से अमोनिया क्या है, ये सब है हमारा अमोनिया डेरेवेटिव। अमोनिया के क्या है, डेरेवेटिव है, मीन्स क्या है, अमोनिया से बना हुआ दूसरा कोई कंपाउंड है। तो कैसे बनेगा, जब ये हमारा NH2 है, NH3 है अमोनिया, तो बनेंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3H है, क्या है, 3H है, और एक लोन पेयर है अमोनिया में। अब क्या होगा डेरेवेटिव में, ये जो एक H है वो रिप्लेस होगा दूसरे कंपाउंड से, दूसरे या ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल इधर हम इसको मानेंगे जेड मानेंगे, ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे जेड। डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं हम देखते हैं। ठीक है, NH2 यहाँ रहा अमोनिया का, एक H रिप्लेस किया जेड ग्रुप से, मीन्स दूसरे ग्रुप से। अब ये जेड क्या होगा, ये जेड होगा हमारे हाइड्राजीन में, फॉर एग्जाम्पल ये है NH2 हो गया, ये वाला हाइड्राजीन में जेड क्या है, जेड यहाँ पे हमारा दूसरा NH2 ग्रुप है, किसमें है, ये हमारा हाइड्राजीन में है, कहाँ पे है, हाइड्राजीन में, ये दो दूसरा ग्रुप है, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है कि नहीं, अमोनिया से क्या बना, दूसरा ग्रुप बना, इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप वो रिप्लेस किया गया है एक अमाइनो ग्रुप से, तो ये क्या बना, ये हमारा बना NH2, ये क्या बना, हाइड्राजीन बना। अब देखते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन को, वो भी क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, ये है हमारा NH3। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करता है OH- क्या होता है, OH- OH से। अब क्या होगा यहां पे हाइड्रोक्सिलेमीन में, ये हमारा अमोनिया है, हमने जो एक H बना था, ये जो लास्ट वाला है वो इसमें क्या होता है, OH होता है, तो ये आपका क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल
एमई, आपके क्या बना एनएच टू ओ एच, क्या बना एनएच टू ओ एच बना, ठीक है। तो देखा है हाइड्राजीन भी क्या है आपका एमोनिया का डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सल एमीन भी क्या है एमोनिया का डेरिवेटिव है, मींस एमोनिया में से एक एच जो है रिप्लेस होता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। इसमें क्या हुआ हाइड्राजीन में एक जो एच था वो रिप्लेस हुआ एनएच टू से, तो हमें बना हाइड्राजीन। दूसरे में क्या हुआ हमारा जो एच था वो रिप्लेस हुआ ओ एच से, वहां से हमें क्या आया हाइड्रोक्सल एमीन। तो ये सब क्या है एमोनिया के डेरेवेटिव है, अमोनिया के डेरेवेटिव है, ठीक है। बोथ हाइड्रोक्सल एमीन एंड हाइड्राजीन आर अमोनियम डेरेवेटिव। तो ये क्या था, ये बेसिक चीजें थी कि कैसे ये क्या है, क्या है चीज, क्या है हाइड्राजीन, क्या है कहाँ से आया है और हाइड्रोक्सल एमीन कहाँ से आया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रपरेशन, कैसे प्रपरेशन करता है हाइड्रोक्सल एमीन की प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे हमारा हाइड्रोक्सल एमीन प्रिपेयर होता है। यूजुअली क्या होता है ये जो हाइड्रोक्सल एमीन है वो है एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है रैशिक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा हाइड्राजीन बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या है रैशिक प्रोसेस है। रैशिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है हमारा हाइड्राजीन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है और हाइड्राजीन भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एमोनिया है इसका रिएक्शन क्या होता है इस प्रोसेस में, इसमें होता है द रिएक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में होगा, एक तो हमने बोला कि ये क्या है अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, तो एक चीज क्या होगा अमोनिया होगा, द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट रहना चाहिए एक्वास अल्कलाइन अमोनिया सॉल्यूशन विथ, किसके साथ हमें रिएक्शन करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो रैशिक प्रोसेस में क्या है कि हमें क्या करना है अमोनिया को जिसका अल्कलाइन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन होगा इसको रिएक्ट करना है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो वहां पे क्या बनेगा वहां पे आपको हाइड्राजीन बन जाएगा, हाइड्राजीन बन जाएगा कैसे, देखो आपका NH3 है अमोनिया है ठीक है, इसका हमें रिएक्शन करना है NaOCl, NaOCl ये क्या चीज है सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या चीज है सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहां से फिर आपको क्या बनेगा N2H4 बनेगा, ये N2H4 क्या है ये आपका हाइड्राजीन है, ये आपका क्या है हाइड्राजीन है जो कि हमें बनाना था। इसके साथ यहाँ पे क्या होता है एक सॉल्ट बनता है NaCl प्लस आपका बनेगा वाटर, प्लस आपका बनेगा वाटर। अब हम बैलेंस करते हैं सोडियम यहाँ पे कितना है दिया नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे यहाँ दो ठीक है, टू नाइट्रोजन इधर भी टू नाइट्रोजन इधर भी, यहाँ आपका प्रोडक्ट में क्या बना एक हाइड्राजीन बना सोडियम क्लोराइड बना और वाटर आ गया ठीक है। किसका रिएक्शन किया हमने अमोनिया का रिएक्शन किया किसके साथ सोडियम हाइपो क्लोराइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन किया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, इसीलिए हमने कहा है कि ये हाइड्राजीन जो है वो है अमोनिया के डेरिवेटिव है, बनता है किससे है अमोनिया से, एक हाइड्रोजन दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होता है तो वहां पे हमें क्या आता है हाइड्राजीन आता है। यहाँ पे क्या हुआ एनएच थ्री में से एक एच रिप्लेस हुआ एनएच टू ग्रुप से एक अमाइन ग्रुप से, तो वहां पे हमें क्या बना हाइड्राजीन बन गया ठीक है, क्या बना हाइड्राजीन बन गया। अब ये रिएक्शन होता कैसे है ठीक है, यूजुअली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो अमोनिया है वो हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है जो कि ये वाला स्टेप आपका है फर्स्ट स्टेप है ठीक है। ये जो ये रिएक्शन होता कैसे है दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है, पहले स्टेप में क्या होता है आपका जो अमोनिया है NH3 है ये रिएक्ट होता है
हाइपोक्लोराइट आयन के साथ NH3 रिएक्ट होगा OCl नेगेटिव के साथ, इसमें आपका क्या बनेगा NH2Cl, आपको यहां बनेगा क्लोरामिन Ca, यहां पे आपका क्या बनेगा क्लोरामाइन बनेगा और यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो गया। क्या होगा ये जो रिएक्शन होता है वो यूजुअली टू स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका एमोनिया रिएक्ट करता है कुल हाइपोक्लोराइट आयन के साथ जिसमें आपको बनता है क्लोरामाइन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है ठीक है और बाहर आता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपका इन द एक्सिस ऑफ NH3 की एक्सिस प्रेजेंट में आपका ये क्लोरामाइन रिएक्ट करेगा। दूसरे स्टेप में आपका क्या होगा ये वाला NH2Cl क्लोरामाइन रिएक्ट करेगा एमोनिया के साथ एल्कलाइन सोल्यूशन में, यहां पे आपको क्या बनेगा यहां पे आपको बनेगा NH2Cl जब NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे आपका क्या बनेगा फाइनल स्टेप में N2H4+NaCl+ आपके क्या बनता है वाटर आपका क्या बनता है रिलीज होता है। तो यहां पे आपको क्या बना हाइड्राजीन, यहां पे आपको क्या बनता है हाइड्राजीन बनता है ठीक है। क्या हुआ यहां पे आपको क्या रखना है जो है NH3 की प्रेजेंस एक्सिस में रखना है, अदरवाइज क्या होगा यहाँ पे साइड रिएक्शंस का होना बहुत पॉसिबिलिटी ज्यादा है, साइड रिएक्शंस का होना यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा है ठीक है, साइड रिएक्शंस का होना क्या है ज्यादा पॉसिबल है ठीक है। तो ये क्या हुआ ये क्या है रैशिक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होता है आपका आपको एक्वस अल्किलिन अमोनियम अमोनिया सॉल्यूशन को रैक कराना है सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ। क्या हुआ जब अमोनिया रैक हुआ सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ आपका क्या बनता है यहाँ पे हाइड्राजीन बनता है, आपका क्या बनता है हाइड्राजीन एक सॉल्वेंट है और वाटर रिलीज होता है ठीक है। यूजुअली ये जो प्रोसेस है वो आपके दो स्टेप्स में चला जाता है ठीक है। एक स्टेप में क्या होता है कि आपका जो अमोनिया है वो हाइपोक्लोराइट आयन के साथ रैक करके क्या बनाता है क्लोरामाइन बनाता है ठीक है, ये रैपिडली रिएक्शन होगी क्लोरामाइन बनता है। सेकंड स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया आपको थोड़े क्या लेना है एक्सेस में लेना है ठीक है, एक्सेस में लेना है तो क्या रहेगा आपका ये क्लोरामाइन और अमोनिया इन अल्कली प्रेजेंस ऑफ एल्केन अल्कली के प्रेजेंस में आपको हाइड्राजीन देगा और आपका NaCl सोडियम क्लोराइड देगा ठीक। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है हमने कहा है कि यहाँ NH3 एक्सिस में रहना चाहिए, अब क्या होगा यहाँ पे साइड रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है बिटवीन क्लोरामाइन और हाइड्राजीन के ठीक है, यहाँ पे क्लोरामीन और हाइड्राजीन के बीच में साइड रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है। ये क्या कर देते हैं फिर अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो आपके पूरा सारा रिएक्शन का जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट है वो सब इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर ख़त्म हो सकते हैं और आपका जो आपका मेन रिएक्शन है जो कि क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजीन वो नहीं बनेगा और कुछ बन जाएगा। साइड रिएक्शन आपका कैसे होता है साइड रिएक्शन ऐसे हो सकता है ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं सम साइड रिएक्शंस आर पॉसिबल इन रैशिक प्रोसेस, किसके किसके बीच में होगा बिटवीन क्लोरामाइन के, क्लोरामाइन हमारा क्या था NH2Cl जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था हाइड्राजीन के बीच में जो कि हमारा क्या था N2H4 था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना और फर्स्ट स्टेप में जो कि ये वाला हमारा फास्ट है ठीक है, ये हमारा क्या है
स्लो है, ये वाला स्टेप हमारा स्लो है जिसमें हमारा क्लोरामाइन और एमोनिया रख करके हाइड्राजिन बनाते हैं। ये वाला फिर स्लो वाला हमारा क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरामाइन और हाइड्राजिन के बीच में साइड रिएक्शन हो सकता है। साइड रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे एमिड रिएक्शन के अलावा अगर दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो सकता है तो पर्टिकुलर सिस्टम में, तो वो हमारा क्या रहता है, साइड रिएक्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोरामिन जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था और हाइड्राजिन जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके साइड प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसको कैसे रोकना है, यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो सकता है। हमारा NH2Cl है प्लस हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है NH2H4, ये दोनों मिलके हमारे यहाँ पे N2 बन सकता है और यहाँ पे NH4Cl बन सकता है। क्या बन सकता है, हमारा NH4Cl बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखते हैं N2 इधर क्या है, आपका N2 यहाँ पे 2N आएंगे। ठीक है, तो 4, 5 N2 और यहाँ 2S NH4, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन पूरा हो जाता है और ये आपका क्या है, साइड रिएक्शन पॉसिबल है। साइड जो रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाला साइड रिएक्शन हो सकता है कि जब आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजिन कर रहा होता है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, एक तो क्या होता है, ये वाला रिएक्शन जो है, ये जो साइड रिएक्शन है वो कैटालाइज करता है, कैटालाइज इट बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयंस। अगर आपकी रिएक्शन सिस्टम में मेटल आयंस प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा, इस रिएक्शन को और भी फास्ट बना देगा। जब आपका ये वाला रिएक्शन और भी फास्ट बन जाएंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा और कुछ बन जाएगा, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन में बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी सिस्टम में क्या होना चाहिए, मेटल आयन की प्रेजेंस नहीं रहना चाहिए और इसीलिए आपको डबल डिस्टिल्ड वाटर आपको इसमें यूज करना है, टेप वाटर यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा, डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट रहेगा। दूसरा क्या है, इसको इसमें आपको कोई ग्लूटेन आप इसमें यूज कर सकते हैं या ग्लू यूज कर सकते हैं या आप जिलेटिन जो कि आपका एक पॉलीसैक्राइड है, महीनो पॉलीसैक्राइड है, वो आपको इसमें यूज करना है या आपको ग्लू यूज करना है या जिलेटिन यूज करना है। वो क्या करेगा, वो इस मेटल आयन के साथ क्या बनेगा, इस मेटल आयन को मास कर देगा, स्कैवेंजिंग कर देगा, इसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा। जिलेटिन जाके इस मेटल आयन के साथ रैक हो जाएगा, तो क्या होगा, जब ये मेटल आयन के साथ रैक हो जाता है तो ये क्या कर देते हैं, the activity of metal ions। तो जब आपके रिएक्शन सिस्टम में आप जिलेटिन या ग्लू यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो कि ये मेटल आयन जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, इस रिएक्शन को स्पीड अप करता था, उसको क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को स्कैवेंज करेगा, इसकी एक्टिविटी को मास कर देगा, खत्म कर देगा। जब इस मेटल आयन की एक्टिविटी को खत्म कर देगा तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो मेन एम है जो कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजिन है, जो कि रैशिक प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजिन, वहां से आपको क्या करता है, हाइड्राजिन की प्रिपरेशन करता है। तो इसीलिए आपको क्या बनेगा, प्योरली आपका 100% इस रिएक्शन में हाइड्राजिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजिन में जो कि रैशिक प्रोसेस कैसे बनता है, उसमें आपको यही ध्यान रखना है, बनता कैसा है, जब एमोनिया रिएक्ट करता है सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ हाइड्राजिन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो कि हाइड्राजिन और क्लोरामाइन के बीच में साइड रिएक्शन हो सकता है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमारा जो
वाटर हम लेंगे वो फ्री फॉर्म मेटल आयन होना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लू और जिलेटिन के प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन करना है, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो साइड रिएक्शन जो कि पॉसिबल है बिटवीन क्लोरामाइन और हाइड्राजिन, ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होगा तो क्या बनेगा, आपका प्रॉपर जो हाइड्राजिन की प्रिपरेशन है वो बन जाए। ठीक है, ये आपका क्या था, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राजिन, हाइड्राजिन की प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखते हैं कि हाइड्राजिन का प्रॉपर्टीज और यूज क्या है, क्या क्या हाइड्राजिन प्रॉपर्टीज शो करता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हाइड्राजिन की, हाइड्राजिन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हाइड्राजिन है वो एक कोवलेंट लिक्विड है जो कि एयर में फ्यूम्स उड़ जाता है, एयर में उड़ जाता है, और इसकी स्मेल क्या होता है, जस्ट लाइक अमोनिया की स्मेल जैसा होता है। ये है हाइड्राजिन की सबसे पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, हाइड्राजिन की सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है कि प्योर हाइड्राजिन है वो एयर में क्या होता है, बर्न अप होता है, एयर में जल जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। जैसे कि अगर हम एक N2H4 और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रैक कराता है तो उसमें लगभग हमें -621 kg पर मोल क्या बनता है, हीट रिलीज होता है। इसीलिए क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन है वो क्या होता है, रॉकेट फ्यूल में एज ए रॉकेट फ्यूल ये क्या होता है, यूज होता है, रॉकेट एज ए रॉकेट फ्यूल यूज होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एयर में बर्न होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब ये एयर में बर्न होता है तो वहां से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसका मेन जो एप्लीकेशन रहता है वो कहाँ पे रहता है, हमारा रॉकेट फ्यूल में रहता है, एज ए रॉकेट फ्यूल। दूसरा तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, ये एज वीक बेस एक्ट करता है। ठीक है, इसकी जो बेसिसिटी है वो वीक है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वहां से हमें 2 सीरीज ऑफ साल्ट मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखो जब आपका हाइड्राजिन जो कि क्या है N2H4 है, ये आपका किसके साथ, हमने कहा ये वीक बेस एक्ट करता है। ठीक है, वीक बेस एक्ट करता है, तो ये एसिड के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड है HX है, ये इसका साथ रैक करके हमें 2 टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। एक क्या बनाएगा आपका N2H5+, इसके साथ आपका रिलीज होगा X-, एक ये बनेगा। दूसरा अगर आपका यही अगर 2 मोल ऑफ एसिड के साथ रैक करता है 2HX बनाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑफ N2H6+ बनेगा, और 2 आपका काउंटर आयन क्या होगा, रिलीज होगा। तो जो एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यूजुअली एक्ट एज ए वीक बेस, उसका जो बेसिक है वो प्रॉपर्टी है वीक रहता है, और ये रैक करता है एसिड के साथ जिसमें हमें 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट मिल जाता है। एक है N2H5 सिंगल पॉजिटिव आयन, और दूसरा है N2H6। जब ये 2 मोल ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो N2H6 पॉजिटिव डाइवेलेंट यहाँ पे क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है, और हमारा 2 और जो काउंटर आयन्स है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, ये जो इसका 4th प्रॉपर्टी क्या है, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करता है, क्या करता है, वाटर में या न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशन में हम इसको डिजोल्व करता है, तो हाइड्राजिन क्या करता है, हाइड्राजिन जो है हमारा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब देखते हैं हम ये होता कैसा है। जो 4th इसका प्रॉपर्टी है वो है जब हम हाइड्राजिन को वाटर में डिजोल्व करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग, इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ये हमारे आयोडीन और ऑक्सीजन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन और आयोडीन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हाइड्राजिन। ठीक है, हाइड्राजिन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, N2H4+2 आयोडीन रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है यहाँ पे, और नाइट्रोजन बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, इसका रिडक्शन करता है। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या जाएगा, फिर
यहाँ पे हाइड्रोजन एडेड माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो N2H4 और एन टू ओ टू दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रह करके हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है। यहाँ पे हाइड्राजिन देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रह करके यहाँ कॉपर यहाँ प्लस टू था, यहाँ जीरो बन गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका प्लस टू से जीरो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका यहाँ प्लस टू था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर जीरो आ गया, मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन कर दिया। देयरफॉर क्या करते हैं, हमारा जो जो हमारा हाइड्राजीन सॉल्यूशन है, जब हम वाटर में न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में हम इसका सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं तो स्ट्रो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है इन आयोडीन और ऑक्सीजन विद सम मेटल आयंस को, ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये क्या है आपका, कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्राजीन का, कि ये क्या है, हाइड्राजीन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और जो इसका लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हाइड्राजीन का हमने बताया है कि मेनली क्या होता है इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ रहता है हमारा हाइड्राजीन का, एप्लीकेशन जो है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का एप्लीकेशन हमने कहा है मेनली इसका एप्लीकेशन जो रहता है इज ए रॉकेट फ्यूल में, क्या रहता है, रॉकेट फ्यूल में रहता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डाइमिथाइल हाइड्राजीन, ठीक, ये आपका हाइड्राजीन है, ठीक है, N2H4 ये आपका क्या है, हाइड्राजीन है। इसमें क्या होता है, इसकी जो डाइमिथाइल डेरिवेटिव्स है, ये जो दो एच जब मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करता है, ठीक है, ये जो ग्रुप है दो मिथाइल ग्रुप से, ये क्या हुआ आपका डाई मिथाइल हाइड्राजीन है। डाई मिथाइल हाइड्राजीन क्यों है, क्योंकि इसमें हमने जो एच था हाइड्राजीन का दो एच था वो हमने क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, तो दो मिथाइल ग्रुप इधर आ गया, तो ये हुआ डाई मिथाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव। इसको जब हमने मिक्स करके हमारा N2O4 के साथ जब हमने इसको मिक्स करके क्या किया है, इसको यूज किया है हमने रॉकेट, इसको मिक्स करके इसका मिक्सचर डाइमिथाइल हाइड्राजीन और N2O4 का मिक्सचर हमने इस रॉकेट फ्यूल यूज किया हुआ है, किसमें, स्पेस शटल में, ठीक है, स्पेस शटल में, इन गाइडेड मिसाइल्स या हम मिसाइल्स में यूज कर सकता है, गाइडेड मिसाइल्स में भी यूज किया है, एंड सम हमने अपोलो इसका एप्लीकेशन जो हुआ है अपोलो लूनर मून में जाने के लिए हमारा मॉड्यूल्स में भी यूज हुआ है, ठीक है, यूज हुआ है। तो हमारा जो हाइड्राजीन का मेन एप्लीकेशन है वो एज ए रॉकेट फ्यूल है, क्यों है, एज ए रॉकेट फ्यूल, या हम एग्रीकल्चर में भी इसे इसका यूज होता है, ठीक है, सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमारा इसका एप्लीकेशन होता है। मेन जो इसका एप्लीकेशन है वो है हमारा रॉकेट फ्यूल, एज ए रॉकेट फ्यूल, स्पेस शटल में, गाइडेड मिसाइल में और अपोलो लूनर मॉड्यूल्स में भी ये यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, रॉकेट फ्यूल में, कहाँ है, रॉकेट फ्यूल में। तो ये हो गया आपका जो पहला नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव था, हाइड्राजीन। इसमें हमने क्या देखा, एक प्रिपरेशन देखा, रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रिपरेशन करता है इसको, इसके बाद हमारा इसका प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज कैसे ये ऑक्सीजन के साथ रैक होता है, कैसे ये एसिड के साथ रैक करता है, कैसे ये बेस के साथ रैक करता है, और ये है इसका एप्लीकेशन, इसका क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन क्या,
नेक्स्ट जो है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड में वो आपको पढ़ना है हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH। ये भी हमने देखा ये क्या है, हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। यहाँ NH3 है, NH3 में क्या होता है, ये वाला एक ग्रुप है क्या रिप्लेस कर देता है, जेड ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, जेड वो है, वो OH है। ठीक है, ये हमारा N, यहाँ पे 2H रहेगा और जो तीसरा एच है वो रिप्लेस होगा OH के साथ। तीसरा एच है वो रिप्लेस यहाँ होगा ऑक्साइड OH के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH क्या है, हाइड्रोक्साइल एमीन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया के डेरिवेटिव है। बनता कहाँ से, अमोनिया से ही है, अमोनिया से बनता है या अमोनिया के डेरिवेटिव से बनता है। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। ठीक है, प्रिपरेशन इसका हम देखेंगे कैसे प्रिपरेशन होता है, इसका प्रिपरेशन होता क्या है। सिंपल हम देखते हैं कि जो इसका प्रिपरेशन होता है वो बाय रिड्यूसिंग नाइट्राइड्स और फ्रॉम नाइट्रोमिथेन। जब हम नाइट्राइड्स या नाइट्रोमिथेन की रिडक्शन करता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिड्यूसिंग, क्या किसको रिड्यूस करना है हमें, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो मीथेन। क्या करना है हमें, नाइट्राइड्स को रिड्यूस करना है या हमारा नाइट्रोमिथाइन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इन दोनों की रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। फॉर एग्जांपल NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड है। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे अमोनियम सल्फाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे फिर आपको क्या बनेगा, आपको NH3OH प्लस, और इसके साथ क्योंकि यूजुअली ये क्या रहता है, जो हाइड्रोक्सिल एमीन है वो क्या रहता है, हाइली रिएक्टिव रहता है। तो ये हमेशा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ये क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। लेटर हमें इसको क्या करना होता है, अलग से निकालना होता है। ठीक है, NH4 अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ये है आपका फर्स्ट मेथड जहां से आपको क्या बनता है, ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन सॉल्ट। ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन सॉल्ट। जब हमने अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO2 और वाटर जब हमने क्या किया, इसका रिएक्शन किया, तो यहां से हमें क्या मिला, हाइड्रोक्सिल अमोनियम सॉल्ट। ये यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट हमें क्या होता है, मिलता है, और इसके साथ हमारा अमोनियम सल्फेट भी बना। ये कब बना, जब हमने नाइट्रेट को रिड्यूस किया, नाइट्रेट की रिडक्शन किया। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल अमोनियम सॉल्ट। यहां से क्या मिलेगा, फिर आपका NH2OH प्लस H2SO4 बाहर चला जाएगा। यहां से क्या मिलेगा आपका NH2OH और ये वाला एसिड जो है आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली आपका ये क्या रहता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट रहता है। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर देता है, ये डिसोशिएट हो जाता है, इसीलिए ये क्या रहता है, आपके सॉल्ट के फॉर्म में रहता है। दूसरा हमने कहा नाइट्रोमिथेन की रिडक्शन से, देखते हैं नाइट्रोमिथेन क्या हुआ, CH3NO2 नाइट्रोमिथेन हो गया, इसका रिडक्शन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, आपको NH3OH अमोनियम सॉल्ट मिलेगा SO4 प्लस, आपका यहाँ पे CO बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, हाइड्रोक्सिल अमोनियम सॉल्ट
फॉर्म में आपको क्या मिल गया, हाइड्रोक्सलमीन मिलता है। ठीक है, दो चीजों से आपने हाइड्रोक्सलमीन की प्रिपरेशन किया, एक आपका है रिड्यूसिंग नाइट्राइड्स, दूसरा आपका है बाय रिड्यूसिंग नाइट्रोमिथेन। तो आपने अमोनियम नाइट्राइड का रिडक्शन किया, आपको मिल गया हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन साल्ट, दूसरा आपने नाइट्रोमिथेन की रिडक्शन किया, वहां से भी आपको क्या मिल गया, जब नाइट्रोमिथाइल की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने रिडक्शन किया तो आपको यहाँ से हाइड्रोक्सिल अमोनियम साल्ट आयन्स मिल गया और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ये है आपका सिंपली दो मेथड जहां से आप हाइड्रोक्सलमीन की प्रिपरेशन कर सकता है, क्या कर सकता है, आपके हाइड्रोक्सलमीन की प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इसका जो मेन यूज होता है वो कहाँ है। इसका जो मेन यूज होता है वो कैप्रोलैक्टम की सिंथेसिस में होता है। कहाँ होता है, कैप्रोलैक्टम की सिंथेसिस में। बाद में उसको क्या कर देता है, पॉलीमराइज करके नायलोन 6 वहां से बना लेता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नायलोन 6 जो कि पॉलीमर है। अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हाइड्रोक्सलमीन की प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ये जो है वाइट क्रिस्टल फॉर्म करता है जो कि मेल्ट होता है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस में। कहाँ, कितने पे मेल्ट होता है, अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या रहता है, इसका क्रिस्टल मेल्ट होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये थर्मली अनस्टेबल रहता है, तो अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, किसमें, अमोनिया में डिकम्पोज होके क्या देता है, अमोनिया देता है, N2 देता है, HNO2 देता है या N2O देता है, ये सब क्या देता है, डिकम्पोज होके हमें ये सब प्रोडक्ट मिलता है जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिडिक एनवायरमेंट लेंगे, ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, NH2OH, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रहता है। हमने कहा है कि यूजुअली ये क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म में रहता है, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे इसमें मिलता है N2O मिलता है, N2O के साथ हमारा इसमें NH4+ मिलेगा और इसके साथ हमारा H2 मिलेगा, H मिलेंगे H+, और इसमें हमारा इसके साथ हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कब, एसिडिक एनवायरमेंट में। और बेसिक एनवायरमेंट की बात करता है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम NH2OH को, ने कहा है कि जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, ये थर्मली अनस्टेबल रहता है, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इन कंपोनेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन मिलेगा, NH3 मिलेगा और इसके साथ यहाँ भी हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, वाटर मिल जाते हैं जाएंगे, तब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ हमारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH2OH पॉजिटिव आयन डिकम्पोज होके एक मॉलिक्यूल ऑफ N2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH2OH डिकम्पोज होके हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 होगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा हाइड्रोक्सलमीन वो थर्मली अनस्टेबल रहता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा ये सब कंपोनेंट में ये डिकम्पोज होके आ जाता है। ठीक है, NH3 भी हमें मिल रहा है, N2 भी मिल रहा है, HNO2 भी मिल रहा है, हमारा N2O भी मिल रहा है, ये सब हमें क्या होता है, मिलता है, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरा जो है ये जगह, अगर हम इसको हीट करते हैं, इट एक्सप्लोड्स इफ हीट इज स्ट्रॉन्गली, अगर हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, धमाका हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इट हैंडल्ड एदर इन एक्वस सॉल्यूशन और ए सॉल्ट फॉर्म, या हम क्या कहते हैं, इसको एक्वस फॉर्म में हैंडल करते हैं या इसकी सॉल्ट फॉर्म में,
क्या, क्योंकि क्या होता है ये जो सॉल्ट फॉर्म है वो मोर स्टेबल है देन फ्री NH2OH, फ्री हाइड्रोक्सल एमीन से हमारे ये क्या है ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हमने देखा कि नहीं कि जब प्रिपरेशन के वक्त भी हमने इसको यूजुअली सॉल्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया था, ठीक है। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि बहुत हाइड्रोक्सल एमीन एंड इट इज सॉल्ट और वेरी पॉइजन, ये बहुत टॉक्सिक रहता है और ऑल्सो एक्ट ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है, ठीक है। जो फिफ्थ इसका प्रॉपर्टी है ये हमारा क्या रहता है, लेकिन इसका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रहता है वो हमारा एमोनिया और हाइड्राजिन से कम रहता है, ठीक। इट पॉजिसेस डोनर प्रॉपर्टीज लाइक NH3 और N2, जिस तरह हमारा एमोनिया के पास लोन पेयर है या हमारा N2H4 के हाइड्राजिन भी इज अ डोनर एक्ट करता है, तो हमारा हाइड्रोक्सल इमीन भी डोनर एक्ट करता है नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये क्या कर देता है, अगर आपके पास कहीं मेटल आयन है पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल आयन है तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कम्प्लेक्स बनाता है, मेटल कम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डबल बॉन्ड के साथ रैक करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ये डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है रैक करता है, इसीलिए ये क्या रहता है हमें अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम को अगर हमें एटम को हमें किसी मॉलिक्यूल में ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सल एमीन आराम से डबल बॉन्ड के साथ रैक करता है तो क्या करता है हम वहां पे नाइट्रोजन एटम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसका हम यूज देखेंगे, यूज कहाँ रहता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है हाइड्रोक्सल एमीन का। यूज जो है हमने देखा है कि इसका यूज, इसका मेन जो इसका यूज होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करता है, तो इसका एप्लीकेशन देखो, इसका मेन जो यूज होता है वो मैन्युफैक्चर्ड करता है हम हाइड्रोक्सल एमीन को ताकि हम साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेम्स बना सके, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉन से हम NH2OH यूज करके, हाइड्रोक्सल एमीन यूज करके साइक्लोहेक्सेनॉन को हम साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेम्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेम्स है उसको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं कैप्रोलैक्टम में, और इस कैप्रोलैक्टम को हम पॉलीमराइज करके नेलोन 6 बना लेता है, जो कि हमारा एक पॉलीमर है। जैसे कि हमारे पास ये साइक्लो हेक्सोनोन है, ये क्या है हमारे पास साइक्लो हेक्सेनोन है, ठीक है। इसको हम NH2OH के साथ रैक करके हम बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन एमीन, ठीक है। यहां हम NOH लगाते हैं और इसके साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा, ये हमारा क्या है साइक्लोहेक्सेनॉन
ऑक्सेंस, क्या करते हैं हम हाइड्रोक्सलेमीन को प्रिपेयर ही लार्ज क्वांटिटी में करते हैं ताकि हम इस साइक्लोहेक्सेनॉन को साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ऑक्सेम को हम ओलियम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैप्रोलैक्टम में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा यहाँ पे रिंग रीअरेंजमेंट होके NH अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर से 1 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन गया, नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ गया। ये हमारा क्या है कैप्रोलैक्टम, ये है हमारा कैप्रोलैक्टम। बाद में हम क्या कर देते हैं, इसकी पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, इसकी जब हम कैप्रोलैक्टम की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है, नायलोन 6 मिलता है। क्या मिलता है हमारा, नायलोन 6 मिलता है। ठीक है, ये वाला ओ इधर रहेगा, इसके बाद आपका NH रहेगा और आपका CH2 कितना है, 1 2 3 4 5 CH2 5 रहेगा। ठीक है, इसके साथ फिर आपका CO आएगा और इसके साथ आगे आपका NH इस तरह पॉलीमराइज होते जाएंगे। ये आगे फर्दर यहां से भी एक्सटेंड, यहां से भी एक्सटेंड, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नायलोन 6। ये आपका क्या है, पॉलीमर है जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो देखा हाइड्रोक्सिलेमीन का एप्लीकेशन क्या है, मेनली जो हाइड्रोक्सिलेमीन लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हम साइक्लोहेक्सेनॉन को साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेम में कन्वर्ट कर सके विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। इस साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सेम को हम कैप्रोलैक्टम में कन्वर्ट करते हैं और इस कैप्रोलैक्टम को बाद में पॉलीमराइजेशन करके नायलोन 6 इससे बना लेता है। ठीक है, तो ये है हमारे हाइड्रोक्सिलेमीन का जो है मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स देखे जिसमें हमारा एक है हाइड्राजीन और दूसरा है हमारा हाइड्रोक्सिलेमीन। इन दोनों का हमने प्रिपरेशन देखा, प्रॉपर्टीज देखा और जो इनका मेन यूजेस है, एप्लीकेशन है। इसके साथ बहुत दूसरे भी इसका एप्लीकेशन होते हैं लेकिन ये जो है मेन एप्लीकेशन हमने देखा है आज की इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पे हम देखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बहुत टाइप्स के ऑक्साइड है, इनके प्रिपरेशन देखेंगे, इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच।